वाराणसी में श्रम कल्याण परिषद की 86वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक का आयोजन श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान श्रम कल्याण परिषद के विभिन्न अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं से जोड़ने का था, जिसके लिए बैठक में योजनाओं के प्रचार प्रसार व लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने श्रमिक कल्याण के लिए 100 करोड़ का रोड मैप बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया और जल्द ही योगी सरकार से इस 100 करोड़ के बजट को पास कराने का प्रस्ताव रखा। श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष पंडित सुनील भराला ने सीएम योगी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी ने श्रमिकों के विकास के लिए श्रम कल्याण परिषद को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया है और अनेक श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं को देने का काम किया है। सुनिए श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने क्या कहा। सरकार के पार्ट दो की सरकार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कामकाज संभालने के बाद वाराणसी में प्रथम बैठक उत्तर प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद की 86वीं बोर्ड की बैठक संपन्न हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के जो कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, वाणिज्य कर दुकानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम कल्याण परिषद के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं जो प्रचलित की जा रही हैं, उन योजनाओं को लाभ उनके घर में किस प्रकार से पहुंचे, इसको लेकर के बोर्ड की बैठक में आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार विमर्श हो रहा है और उसके उपरांत आज बोर्ड और सम्मानित सदन के प्रस्ताव पारित होने के बाद आज उत्तर प्रदेश की पूरी नीति और नियम लागू करने के लिए ये बोर्ड की बैठक हो रही है। इसी बोर्ड की बैठक में उत्तर प्रदेश के 22 और 23 का जो बजट है, जो श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के लाभ दिया जाएगा, उसमें आज ये बजट भी पास करके पारित किया जाएगा, जिसमें अभी प्रस्ताव के रूप में आया 100 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद को देने पर विचार विमर्श हुआ है। इसको लखनऊ जाकर के सरकार के समक्ष रखा जाएगा और बोर्ड के जो नियम के साथ साथ होने वाले विधानसभा सत्र में ये पारित हो जाएगा।